नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जनवरी 2021 के टॉप 300 करंट अफेयर पे। देखिए, ये टॉप 300 करंट अफेयर का जो सीरीज है, ये टोटल दो पार्ट आपको मिलेंगे। ये पार्ट वन है, इसके बाद मैं पार्ट टू अपलोड करूंगा। पार्ट वन में हम 150 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और ये प्रश्न जो है जनवरी 2021 की सभी नियुक्तियों, विज्ञान प्रौद्योगिकी, योजना परियोजना, अर्थव्यवस्था, पुरस्कार सम्मान, खेल जगत और महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, पर्यावरण और सम्मेलन, सैन्यभ्यास और जितने भी विविध प्रश्न है उन सभी को कवर करेगा। तो 150 प्रश्नों में सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई जाएंगी। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन KSivan के कार्यकाल को कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है। तो देखिए, KSivan जी के कार्यकाल को बढ़ाया गया है टोटल 1 ईयर के लिए। देखिए, आपको बता दूं, जो आपके KSivan हैं, इनका जो कार्यकाल है ये जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा था, लेकिन अब ये जो है जनवरी 2022 तक काम करेंगे क्योंकि 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। देखिए, जो आपके KSivan जी हैं, ये तमिलनाडु के कन्याकुमार जिले से बिलोंग करते हैं और इन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एवं लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर के निर्देशक के रूप में भी कार्य किया है। तो वर्तमान में ये इसरो के चेयरमैन हैं। कौन? KSivan जी। याद रखेगा, जो आपके इसरो के चेयरमैन थे KSivan, इनका कार्यकाल 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया है और ये जो है 14 जनवरी 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। और देखिए, वार्षिकांक 2020-21 का PDF बहुत सारे लोगों ने अभी नहीं डाउनलोड किया है। देखिए, वर्तमान में जितनी भी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं उसमें 100% इसी PDF से प्रश्न आ रहे हैं, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और इसके लिए आपको 100 रुपये पे भी करने पड़ेंगे। देखिए, 100 रुपये वो ज़्यादा नहीं होते हैं अगर आपका करियर का सवाल है, क्योंकि 100 रुपये आप मेकअप में, मूवीज़ में और पता नहीं कहाँ कहाँ फालतू खर्च कर देते हैं, तो उसका उपयोग पढ़ाई में कीजिए, शायद आपका भविष्य बन जाए। तो इसको तुरंत डाउनलोड कीजिए और आने वाली परीक्षाओं में 100% सफलता प्राप्त कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि दजुको घाटी कहाँ पर स्थित है जहाँ के जंगलों में भीषण आग लगी थी। तो देखिए, जो आपकी दजुको घाटी है, ये आपकी मणिपुर नागालैंड की सीमा पर स्थित है और ये घाटी जो है ये फूलों की घाटी के रूप में भी जानी जाती है। और तीसरा प्रश्न है, देखिए, जिस प्रश्न को मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे, क्योंकि आप डेली करंट अफेयर सेशन में इन सभी करंट अफेयर को विस्तार से देख चुके हैं, तो आंसर बताते रहेंगे और लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कि 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, तो इससे आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर ICC टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई। तो देखिए, ये टीम आपकी न्यूजीलैंड की है। न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है ये ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर ICC टेस्ट टीम रैंकिंग में जो है पहले स्थान पर पहुंच गई है। और देखिए, न्यूजीलैंड इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर, भारतीय क्रिकेट टीम तीसरे स्थान पर, इंग्लैंड चौथे और श्रीलंका पांचवें स्थान पर है ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में जो जनवरी 2021 में रिलीज किया गया है। चौथा प्रश्न है कि मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर कौन जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो देखिए, एशिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं इनका नाम है छोंग शान शान। नाम से लग रहा होगा ये एक चाइनीज व्यक्ति है। देखिए, जो आपके मुकेश अंबानी हैं इनको पछाड़कर जो चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी हैं छोंग शान शान, इनकी जो नेटवर्थ है ये इस साल 70.9 अरब डॉलर बढ़कर कुल 77.8 अरब डॉलर हो गई है। और शान के बारे में एक चीज़ रखिएगा, ये बोतल बंद पानी और यानी कि ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो आप पानी पीते हैं बिस्लरी वगैरह, उसी टाइप का इनका ड्रिंकिंग वाटर का कारोबार है और ये कोरोना के वैक्सीन वगैरह बनवाने में अभी वर्क कर रहे हैं। तो मतलब ये बिजनेसमैन है कहाँ की, चीन की, झोंग शान, और ये मुकेश अंबानी को पछाड़कर अब जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। पाँचवा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपये की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी। तो देखिए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए टोटल 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है। देखिए, एथेनॉल का केमिकल फार्मूला, अभी रेलवे का एग्जाम चल रहा है उसमें बहुत पूछा जा रहा है। तो देखिए, एथेनॉल का जो केमिकल फार्मूला है आपका है C2H5OH, ठीक है। छठा प्रश्न की, निम्न में से किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और एप्लीकेशन की शुरुआत की है। तो देखिए, ये मंत्रालय आपका है विदेश मंत्रालय। याद रखिएगा, भारत का जो विदेश मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है,
इसने जो है दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने के लिए वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और एप्लीकेशन को शुरू किया है। और देखिए भारत के वर्तमान में जो विदेश मंत्री का नाम क्या है, इनका नाम है एस जयशंकर। सातवां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो देखिए जनवरी 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी प्रदान की। और आकाश मिसाइल के बारे में जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा, ये परीक्षाओं में अब तक बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। देखिए जो आपका आकाश मिसाइल है इसको साल 2014 में भारतीय वायुसेना तथा 2015 में इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना में शामिल किया गया था। और आकाश मिसाइल जो है ये एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। और इस मिसाइल का निर्माण किया है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। आठवां की 96वां तानसेन सम्मान किसे दिया गया। देखिए ये सम्मान जो है इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं उन सभी चीज़ों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आपका तानसेन सम्मान है ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है। और 96वां तानसेन सम्मान जो है ये पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। पंडित सतीश व्यास कौन है, ये प्रसिद्ध संतूर वादक है। और इसके साथ में एक और सम्मान है राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार, ये इस साल भोपाल में स्थित संस्था अभिनव कला परिषद को दिया गया है। आप सोच रहे होंगे तानसेन कौन थे। देखिए तानसेन के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये अकबर के नौ रत्नों में से एक था। तो अकबर जो देखिए तानसेन जो ये एक संगीतज्ञ थे, तो संगीत से जुड़ी जितनी भी संस्थाएँ हैं और व्यक्ति हैं उनको इससे रिलेटेड पुरस्कार दिया जाता है। देखिए जो आपका ये पुरस्कार समारोह होता है तानसेन सम्मान समारोह, तो ये जो है अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल आयोजित किया जाता है और यहीं पर ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो 96वां तानसेन सम्मान पंडित सतीश व्यास को दिया गया और साथ में राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार अभिनव कला परिषद भोपाल को दिया गया। देखिए आपको बताना है कि भोपाल जो ये किस राज्य की राजधानी है, जरा बताइए। देखिए कितने लोगों को पता है, बहुत सही। नौ प्रश्न की हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा नए डिजाइन किए गए विस्टाडोम पर्यटक कोच का कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से परीक्षण किया गया। देखिए विस्टाडोम कोच जो है इनकी खास बात ये होती है कि आप जो है इसमें बैठकर अपनी चारों तरफ के नज़ारे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें छत पर भी शीशा लगा होता है, साइड में बड़े बड़े विंडोज लगे होते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं बिहार में भारतीय रेलवे के द्वारा नए डिजाइन किए गए विस्टाडोम पर्यटक कोच को जो का जो है टोटल 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से परीक्षण किया गया इंडियन रेलवे के द्वारा। देखिए विस्टाडोम पर्यटक कोच के बारे में कुछ विशेष जानकारी है, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपकी विस्टाडोम पर्यटक कोच हैं ये लग्जरी कोच जो है चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाए गए थे, जिनका ट्रायल किया गया है 180 किलोमीटर प्रति घंटे से। देखिए आप बता दूँ यूरोपीय शैली के डिज़ाइन किए गए इन कोचों में बाहरी दृश्यों को देखने के लिए छतों को कांच से बनाया गया है और खिड़कियाँ चौड़ी रखी गई हैं। देखिए वर्तमान में नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कांगड़ी वैली रेलवे और जो आपका माथेरान हिल रेलवे, मुंबई में दादर और मड़गांव की अरकू घाटी के बीच साथ साथ जो कश्मीर घाटी है इसमें 13 विस्टाडोम कोचों का जो है परिचालन किया जा रहा है। और दसवां प्रश्न की हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन के बोर्ड का सदस्य नामित किया गया है। तो देखिए इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। देखिए आप बता दूं जो आपके हर्षवर्धन जी हैं ये 1 जनवरी 2021 से अपना कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं और ये 31 दिसंबर 2023 तक जो है अपनी सेवा प्रदान करेंगे टीका और प्रतीक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन के बोर्ड के सदस्य के रूप में। देखिए जो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन हैं ये जो है जो आपका गावी बोर्ड है यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन है, तो इसमें दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में इस सीट का प्रतिनिधित्व म्यांमार के मिंट हटवे कर रहे थे, लेकिन अब इनका स्थान कौन लेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन। 11वां प्रश्न ये वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड किसे दिया गया, बताइए जल्दी से। देखिए वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड दिया गया है विनोद कुमार यादव को, जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO थे, लेकिन इनके स्थान पर अभी एक नई नियुक्ति हुई है, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। 12वां प्रश्न की हाल ही में इंदिरा जोसेफ वेन्यूर का निधन हो गया, ये किस संस्था से जुड़ी हुई थी। तो देखिए इंदिरा जोसेफ वेन्यूर जो है ये ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई थी। 13वां प्रश्न की हाल ही में किसने IIT हैदराबाद में भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम स्थली और हवाई के लिए भारत के पहले
टेस्टेड तिहान आईआईटी हैदराबाद की नींव रखी। तो देखिए अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक जो है, जो कि भारत के केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने आईआईटी हैदराबाद में भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम स्थली और हवाई के लिए भारत के पहले टेस्टेड तिहान आईआईटी हैदराबाद की नींव रखी है। 14वां कि हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी? तो देखिए इस कोरोना वैक्सीन का नाम है फाइजर। और 15वां प्रश्न है कि हाल ही में किस फार्मूला वन चैंपियन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान दिया गया? देखिए हाल ही में जो आपके लुईस हैमिल्टन हैं, जो कि ब्रिटिश ड्राइवर हैं, देखिए फार्मूला वन रेसर हैं, इनको जो है ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान दिया गया है जनवरी 2021 में। 16वां की जनवरी 2021 में भारत सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन को कब तक के लिए बढ़ा दिया था? तो देखिए ये तिथि थी आपकी 31 जनवरी 2021। ये प्रतिबंध विशेष उड़ानों और अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो परिचालन पर जो है लागू नहीं किया गया था। 17वां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो देखिए जनवरी 2021 में लेह में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया था। देखिए जो पर लेह है, लेह में स्थापित किया गया मौसम विज्ञान केंद्र जो है हिमालय में स्थित दूसरा मौसम विज्ञान केंद्र है, और इससे पहले ऐसी सुविधा केंद्र जो है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भी बनाई गई थी। और वर्तमान में जो आपका ये भारत का जो सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र बनाया गया है लेह में, तो इसकी ऊंचाई मतलब ये जो है टोटल 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 18वां प्रश्न की हाल ही में नितिन गडकरी ने असम के किस स्थान पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए असम के सिलचर में जो है एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा भारत के जो सड़क परिवहन राजमार्ग और जो आपके जहाजरानी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इनके द्वारा किया गया था। 19वां प्रश्न की हाल ही में किसे रेलवे का नया चेयरमैन और सीईओ अपॉइंट किया गया? तो देखिए रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ बनाए गए हैं सुनीत शर्मा जी, इनका नाम याद रखेगा। सुनीत शर्मा ने इस पद पर विनोद कुमार यादव की जगह ली है। 20वां की किस व्यक्ति को भारत का नया उपचुनाव आयुक्त अपॉइंट किया गया है? तो देखिए भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बनाए गए हैं उमेश सिन्हा जी। देखिए उमेश सिन्हा का जो कार्यकाल होगा ये भारत के नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में 30 जून 2021 को समाप्त होगा, यानी कि ये 30 जून 2021 तक अपने पद पर बने रहेंगे। सिन्हा चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को संशोधित करने के मुद्दों पर गठित एक समिति का हिस्सा भी होंगे। देखिए वर्तमान में चुनाव आयोग की बात करें तो वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनका नाम है सुनील अरोड़ा, और उपचुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? उमेश सिन्हा। 21वां प्रश्न की 1 जनवरी 2021 को किसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष बनाए गए इनका नाम है सोमा मंडल। देखिए जो आपकी सोमा मंडल है ये अध्यक्ष का पद संभालने वाली इस निकाय की पहली महिला है। ये इस पद पर अनिल कुमार चौधरी की जगह लेंगी, जो कि 31 दिसंबर 2020 को रिटायर हो गए थे। देखिए जो आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसको शॉर्ट में हम सेल कहते हैं। सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी हुई थी 19 जनवरी 1954 को। और 22वां की किस संस्थान ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए ये संस्थान आपका DRDO है। DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया था। DRDO को हम अंग्रेजी में कहते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको हम कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, और इसके सचिव और अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसको नोट करते रहिएगा। 23वां की प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं का शिलान्यास किया? तो देखिए इन राज्यों की संख्या टोटल 6 है, और ये 6 राज्य हैं आपके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के इंदौर में ये परियोजना शुरू की जाएगी, गुजरात के राजकोट में, तमिलनाडु के चेन्नई में, झारखंड के रांची में, त्रिपुरा के अगरतला में, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। यानी कि इन टोटल 6 राज्यों के जो विभिन्न प्लेस मैंने बताए हैं, इन सभी स्थानों पर जो है लाइट हाउस परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। देखिए इस परियोजनाओं का जो निर्माण है ये ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत किया जा रहा है, और इस योजना को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। देखिए लाइट हाउस का मतलब हो गया जो हल्के मकान होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब उनकी हम बात कर रहे हैं। 24वां की हाल ही में शांतनु महापात्रा का निधन हो गया, ये कौन थे? तो देखिए जो आपके शांतनु महापात्रा हैं ये प्रसिद्ध ओडिया संगीतकार थे।
और 25वां, ये हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस पहाड़ी राज्य में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय को बढ़ाने के लिए टोटल $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए, ये राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। और 26वां की वाहन मास्टर क्लास पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, वाहन मास्टर क्लास पुस्तक को लिखा है अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने। देखिए, जो आपका ये जो आपके अल्फ्रेडो कोवेल्ली हैं, ये जो है एक इटली के लेखक हैं और इनकी भगवान गणेश में बहुत श्रद्धा है। देखिए, भगवान गणेश के बारे में कुछ स्टोरी जो मतलब कुछ कहानी है जो है मतलब इस पुस्तक में उसको संग्रहित किया गया है। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव ने कहा कि जाओ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आओ, जो पूरी दुनिया का सबसे पहले चक्कर लगा लेगा उसकी पूजा सबसे पहले होगी। तो वहाँ पे भगवान गणेश थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता का ऐसे राउंड मान लिया, कहा मेरी दुनिया तो आप ही हो। तो उसके बाद भगवान शिव ने कहा चलो गणेश, तुम्हारी पूजा अब जो है सबसे पहले होगी, यानी कि तुम प्रथम पूज्य बन जाओगे। तो यही सारी स्टोरी है इसमें। और आपको बताऊंगा भगवान गणेश की जो सवारी है, ये आपका है रैट यानी कि चूहा। 27वां प्रश्न है कि जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर कब तक किया? देखिए, जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने कहा था कि जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आयकर रिटर्न है, ये आप 10 जनवरी 2021 तक भर सकते हैं। इससे पहले ये सीमा 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई थी और पहला विस्तार 31 जुलाई 30 नवंबर 2020 और फिर इसे 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया था। तो बार बार इसका डेट इसलिए बढ़ाया था ताकि लोगों को सुविधा मिले, वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है ये वो दाखिल कर सकें। 28वां, की निम्नलिखित में से कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस का सहयोगी सदस्य बना? तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है, ये बना है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन का सहयोगी सदस्य। 29वां, की हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान जिसका नाम है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर में कुछ बदलावों की घोषणा की है? तो देखिए, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर में बदलाव की घोषणा की है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रगान है इसको जो है पीटर डोट्स मैकार्मी के द्वारा रचा गया था और एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर जो है ये जब राष्ट्रगान बना था इससे पहले गॉड सेव द क्वीन ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान हुआ करता था। 30वां, की हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, अभी हाल ही में कजाकिस्तान ने कहा है कि अब हम मृत्युदंड की सजा को समाप्त करते हैं अपने देश में। 31वां, की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की घोषणा के अनुसार COVID-19 संकट के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने करोड़ से अधिक मुफ्त सिलेंडर प्रदान किए गए? तो देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की घोषणा के अनुसार COVID-19 संकट के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत टोटल 14 करोड़ से अधिक मुफ्त सिलेंडर जो है ये प्रदान किए गए हैं। और 32वां, की हाल ही में किसके द्वारा भारत में कैशलेस लेनदेन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया? तो देखिए, इस डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को जारी किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। देखिए, आपको बता दूं जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है इसने इस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का जो आधार वर्ष है ये 2018 को निर्धारित किया है और भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये मार्च 2021 से अर्धवार्षिक आधार पर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है ये प्रकाशित करेगा। 33वां, की हाल ही में किस देश में अल्पसंख्यक सिया हजारा समुदाय के 11 लोगों का अपहरण करने के बाद जनवरी 2021 में हत्या कर दिया गया? तो देखिए, देश आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो आपके अल्पसंख्यक सिया हजारा समुदाय के 11 लोग थे इनकी हत्या की गई थी जनवरी 2021 में। और 34वां प्रश्न, की हाल ही में पीएम मोदी ने ओडिशा में किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी? आंसर बताते रहिएगा। देखिए, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है आपका IIM संबलपुर। 35वां, की हाल ही में कांग्रेस नेता बूटा सिंह का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इन्होंने 1986 से 1989 तक किसकी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो देखिए, बूटा सिंह जो है ये राजीव गांधी के कार्यकाल में 1986 से 1989 तक जो है केंद्रीय गृह मंत्री थे और ये राजस्थान से 4 बार सांसद चुने गए थे। 36वां, की हाल ही में किस राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अमेंडमेंट बिल 2020 पारित किया गया? तो देखिए, जनवरी 2020 में असम राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अमेंडमेंट बिल 2020 को पारित किया गया और ये बिल असम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2016 में संशोधन करके बनाया गया है और इस संशोधन से असम को जो है केंद्र सरकार से अब 0.25% अतिरिक्त उधार मिल सकेगा।
37वां की 25 दिसंबर 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा। देखिए बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें डेट वाइज पूछा जा रहा है, 21 डेट को जो सप्ताह समाप्त हुआ उस समय कितना विदेशी मुद्रा भंडार रहा। तो यहाँ पे डेट आपका है 25 दिसंबर 2020 और 25 दिसंबर 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रहा 580.841 अरब डॉलर। देखिए जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार होता है इसमें चार चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, पहला विदेशी मुद्रा संपत्ति, दूसरा गोल्ड रिजर्व, तीसरा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो आपका SDR है और IMF के साथ रिजर्व की स्थिति है। तो इसकी अलग अलग अमाउंट होती है, इनको प्लस अगर करते हैं हम तो ये टोटल अमाउंट आ जाता है जो विदेशी मुद्रा भंडार का है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। 38वां की गैर अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का 8वां कार्यकाल किस तिथि से शुरू हुआ। तो देखिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो भारत का 8वां कार्यकाल है ये 1 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है। देखिए इससे पहले भारत जो है टोटल 7 कार्यकाल के लिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें जो है गैर अस्थायी सदस्य के रूप में जो है चुना गया था और 8वीं बार इस बार चुना गया था, तो 8वां कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है। 39वां की हाल ही में भारत को कितने वर्षों की अवधि के लिए IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी का संयुक्त अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए भारत को टोटल 3 वर्षों तक के लिए IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी का संयुक्त अध्यक्ष चुना गया है। 40वां प्रश्न की ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है। तो देखिए ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर है। देखिए ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स 2021 के अनुसार जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन बाद में इनकी रैंक फिसल गई और दूसरे स्थान पर इसमें एलन मस्क थे, तीसरे स्थान पर बिल गेट्स थे। लेकिन ये वाली सूची आपको याद नहीं रखनी है, ये अब परिवर्तित हो चुकी है, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत आंकड़ा फिसला देता है, मतलब किसी की इनकम बढ़ गई तो वो पहले नंबर पर आ गया, दूसरे नंबर पर कोई और आ गया। तो अभी आगे वीडियो में बताऊंगा वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, ठीक है। 41वां की हाल ही में कौन भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने। तो देखिए भारत के जो 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं इनका नाम है लियोन मेंडोका। 42वां की किस देश के प्रतिष्ठित गायक गेरी मार्स्टन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए जो आपके इंग्लैंड के प्रतिष्ठित गायक थे गेरी मार्स्टन, इनका भी हाल ही में 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 43वां की किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया। तो देखिए जनवरी 2021 में चीन ने जो है जो अपना इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर है वहां पर पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया था, और इन ड्रोनों को तैनात करने के पीछे चीन का मकसद अपनी नौसेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाना है। 44वां की हाल ही में रेल मंत्रालय ने किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है। तो देखिए जितने नेशनल लेवल के प्लेयर्स थे उन सभी को रेल यात्रा में किराए में मिलने वाली जो छूट थी उसको इंडियन रेलवे ने बंद कर दिया है। 45वां की हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअली एग्री इंडिया हैकाथन 2021 का उद्घाटन किया था। तो देखिए जो आपका वर्चुअली एग्री इंडिया हैकाथन 2021 था, ठीक है, इसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वर्तमान में, और इन्होंने जो है अभी हाल ही में कृषि क्षेत्र के हजारों नॉन मिस्कों और शोधकर्ताओं के विचार जुटाने के लिए एक ऑनलाइन हैकाथन का उद्घाटन किया जिसका नाम क्या था एग्री इंडिया हैकाथन 2021। और 46वां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 श्रेणी का पोत जिसका नाम INLCU LPP8 यार्ड 2099 जो था यह भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। तो देखिए ये प्लेस आपका रहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और 47वां प्रश्न की हाल ही में कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हो गया ये कौन थे। तो देखिए कर्नल नरेंद्र बुल कुमार जो है ये एक पर्वतारोही थे और इनका 1984 के ऑपरेशन मेघदूत की सफलता में अहम योगदान रहा। ये नंदा देवी पर्वत पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय भी रहे कौन कर्नल नरेंद्र बुल कुमार। 48वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने तमिल अकादमी की स्थापना की। तो देखिए अभी हाल ही में दिल्ली की सरकार ने तमिल अकादमी की स्थापना की अपने राज्य में। 49वां की जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बनाए गए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बने इनका नाम है पंकज मिथल। पंकज मिथल ने इस पद पर गीता मित्तल का स्थान लिया था। देखिए यहाँ मिथल है, ये मित्तल है, ठीक है।
50वां की दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी कौन बन गई है? तो देखिए जो आपकी बजाज ऑटो है, ठीक है, बजाज ऑटो दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। 51वां की हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया? तो देखिए देश आपका अमेरिका है, अमेरिका की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित किया है हाल ही में। और 52वां की ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय कपूर। देखिए जो आपका ऑल इंडिया चेस फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय शतरंज संघ है, इसका मुख्यालय है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। 53वां है किस देश के फिल्म निर्माता पाब्लो सेसर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण के लिए इंटरनेशनल जूरी का चेयरमैन बनाया गया था? तो देखिए जो आपके पाब्लो सेसर हैं, ये अर्जेंटीना के एक फिल्म निर्माता थे जिनको भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण के लिए इंटरनेशनल जूरी का चेयरमैन बनाया गया था। 54वां की हाल ही में किस राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री और 7 बार कांग्रेस से विधायक रहे विलास पाटिल अंदलकर का निधन हो गया? तो देखिए विलास पाटिल अंदलकर जो है ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। और 55वां की ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं आशीष पेठे। देखिए जो आपका जेम एंड ज्वेलरी उद्योग है, इसकी राष्ट्रीय शीर्ष संस्था ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल जो है, इसने हाल ही में 2 साल की अवधि के लिए आशीष पेठे को अपना अध्यक्ष और इसके साथ में सईम मेहरा को उपाध्यक्ष अपॉइंट किया है। 56वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो देखिए जो राजस्थान की सरकार है इसने कहा है कि अगर हमारे राज्य में कोई भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक लेकर आता है ओलंपिक में तो उसको हम 3 करोड़ रुपए देंगे। और 57वां की हाल ही में वियतनाम ने आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू कर दिया है? तो देखिए वियतनाम ने भारत से चावल की बहुत ज़्यादा डिमांड कर ली थी जनवरी 2021 में, ले काफ़ी चर्चा में आ गया था क्योंकि देखिए वियतनाम के घरेलू बाजार में चावल की कीमत 9 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी, इसीलिए सीमित घरेलू आपूर्ति के कारण वियतनाम को भारत से चावल की खरीद जो है ये करनी पड़ रही है ताकि वहाँ पर महंगाई ना बढ़े। 58वां की विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो देखिए विश्व ब्रेल दिवस को हम 4 जनवरी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ष 4 जनवरी को जो आपके ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक थे जिनका नाम था लुई ब्रेल, ठीक है, इनका जन्मदिन पड़ता है, इन्हीं को याद किया जाता है। देखिए जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है, दाने दाने से उभरे होते हैं, उनको ऐसे हाथ से टच करके इस लिपि को लोग पढ़ते हैं। 59वां की जनवरी 2021 में कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है? तो देखिए ब्रिटेन में जो है जनवरी 2021 में 1.5 महीने का सख्त लॉकडाउन लगाया गया क्योंकि वहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ गए। देखिए ब्रिटेन के जो पीएम है बोरिस जॉनसन, इन्होंने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के लगातार बढ़ते संकट के बीच में ये लॉकडाउन लगाया था। और धन्य है कि भारत में कोरोना का कोई भी नया केस नहीं देखा गया, मतलब बहुत सारे केसेस जो थे रिकवर हो चुके हैं और बहुत जगहों पर जिंदगी नॉर्मल हो चुकी है। 60वां की कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का जनवरी 2021 में किस देश का दौरा टल गया है? देखिए बोरिस जॉनसन जो है भारत में आने वाले थे 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे को चीफ गेस्ट के रूप में, लेकिन इनकी यात्रा कोरोना के कारण कैंसिल कर दी गई। 61वां की हाल ही में किसे भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त बनाया गया? तो देखिए भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त बनाए गए अलेक्जेंडर एलिस और ये इस पद पर सर फिलिप बार्टन का स्थान लेंगे। देखिए आंसर बताते रहिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा, ठीक है। और 65वां की द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रेपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया? देखिए ये प्रश्न सबसे यूनिक है, हर साल दानदाताओं की के बारे में पूछा था किसने सबसे ज़्यादा दान दिया। तो देखिए वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान दिया जेफ बेजोस है, जेफ बेजोस अमेजॉन के फाउंडर हैं। और 63वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अभी हाल ही में इमरजेंसी यानी कि आपदा घोषित कर दिया है? तो देखिए जनवरी 2021 में बर्ड फ्लू के कारण आपदा घोषित किया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए इससे पहले भी निपा वायरस और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ हुई तो वो एग्जाम में पूछी जाती रही, केरल में ही मोस्टली सारे आपदा आते हैं पहले। 64वां की कोरोना के बढ़ते कहर के बीच में ब्रिटेन के बाद जनवरी 2021 में किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया? तो देखिए ब्रिटेन ने तो लॉकडाउन लगाया था लेकिन उसके बाद फिर जर्मनी ने भी जो है कोरोना के कहर के कारण लॉकडाउन लगा दिया।
देखिए जर्मनी की बात करें तो ये यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है, पॉपुलेशन है 8.3 करोड़। 65वां की जनवरी 2021 में आरबीआई ने जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया? तो देखिए ये 2.5 करोड़ रुपये का जो जुर्माना है ये बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर लगाया गया था। 66वां की केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया? तो देखिए ये प्लेस आपका रहा शिलांग। और 67वां प्रश्न, ये किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? तो देखिए जो आपका खंडवा जिला है ये मध्य प्रदेश का है, और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर 600 मेगावाट वाला विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना जो है ये 2022-23 से सौर ऊर्जा प्रदान करने लगेगा। 68वां की कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो देखिए जापान जो है ये 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। 69वां की हाल ही में किसे भारत का डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया? तो देखिए भारत के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए शांतनु दयाल। और 70वां की पुरुषों के टेस्ट मैच अधिकारी बनने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी? तो देखिए पुरुषों के टेस्ट मैच में मैच अधिकारी बनने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं क्लेयर पोलोसाक। 71वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की? तो देखिए किसान सूर्योदय योजना को गुजरात में लॉन्च किया गया था जनवरी 2021 में। गुजरात की बात कर देते हैं तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर, गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और पॉपुलेशन है 6.27 करोड़। 72वां की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच में निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की? तो देखिए ये देश आपका जापान है। और 73वां प्रश्न, की हाल ही में किसने भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पद संभाला? तो देखिए व्यक्ति आपके हैं मेजर जनरल गौतम चौहान। और 74वां है, निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया? तो देखिए अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा की स्पीकर चुनी गई हैं दूसरी बार नैन्सी पेलोसी। और 75वां की आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो देखिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए अरू कुमार गोस्वामी। और 76वां की हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौतों का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? तो देखिए देश आपका ईरान है। और 77वां प्रश्न, की भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का जनवरी 2021 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो देखिए देश आपका इसराइल है, इसने सतह से यानी कि सरफेस से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। और इस मिसाइल प्रणाली से जो इसराइल है ये अपने शत्रु के विमान को 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से उसको मारकर गिरा सकता है। 78वां की जनवरी 2021 में किस स्थान पर खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया गया? तो देखिए खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का जो आयोजन है ये कारगिल में किया गया था। हाल ही में लद्दाख में कारगिल जिले में जो है लद्दाख के ठीक है तो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। और इस टूर्नामेंट में लद्दाख के चिकटन के विभिन्न गांवों से 13 टीमों ने भाग लिया जिसमें 11 पुरुष टीम 2 महिला टीमें शामिल थीं। 79वां की हाल ही में किस सबसे पुरानी जीवित प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर का निधन हो गया? देखिए वर्तमान में जो प्रथम श्रेणी के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर थे इनका नाम था एलन बर्गेस, ये न्यूजीलैंड के निवासी थे, इनका निधन हो गया। 80वां की प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाता है? देखिए एग्जामिनर का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ठीक है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्यों? देखिए आप बता दूं प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। 81वां की हाल ही में किस व्यक्ति को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं सुधांशु धुलिया जी। और 82वां प्रश्न, की सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं जेके माहेश्वरी। और 83वां है, राइट अंडर योर नोज शीर्षक उपन्यास को किसने लिखा है? तो देखिए राइट अंडर योर नोज शीर्षक उपन्यास को लिखा है आर गिरिधरन ने।
84वां की केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो देखिए, केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कुल 8 परियोजनाओं को जनवरी 2021 में मंजूरी दी। ये परियोजनाएं कारगिल और लेह जिले में पड़ेंगी। इन परियोजनाओं का डिज़ाइन सिंधु नदी जल संधि के तहत किया गया है और इसीलिए इसकी जानकारी पाकिस्तान को भी दे दी गई है कि भैया हम बनाने जा रहे हैं अपना 144 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यानी कि जल विद्युत परियोजना। 85वां की केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? देखिए, जीडीपी के जितने भी अनुमान मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 जो था इसका एनालिसिस चल रहा है और इसमें भारत की विकास दर जो है ये 7.7% रहने का अनुमान है। और देखिए, 2019-20 का वित्तीय वर्ष था, ठीक है, भारत का, तो इसमें भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट थी 4.2%, इसको नोट कर लीजिएगा, आगामी परीक्षा में पूछा सकता है। 86वां की हाल ही में किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया? तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपके सत्यपाल जी हैं जो कि एक मशहूर फैशन डिजाइनर थे, इनका तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया। 87वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई? तो देखिए, अभी हाल ही में जो कर्नाटक की राज्य सरकार है इसने मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई थी। 88वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख की विषम भौगोलिक परिस्थिति तथा सामरिक महत्ता को देखते हुए लद्दाख की भाषा, लद्दाख की संस्कृति एवं लद्दाख की भूमि के संरक्षण के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है और इस समिति का नेतृत्व कौन करेंगे? तो देखिए, इस समिति का नेतृत्व जी किशन रेड्डी, जो कि भारत के गृह राज्य मंत्री हैं, इनके द्वारा किया जाएगा। और इस समिति के अन्य सदस्यों में लद्दाख, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के निर्वाचित प्रतिनिधि जो है ये शामिल भी होंगे। 89वां की हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने अभी हाल ही में फिनटेक इनोवेशन सेंटर को स्थापित करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी की जनवरी 2021 में। 90वां की मध्य अफ्रीकी गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो देखिए, मध्य अफ्रीकी गणराज्य के जो नए राष्ट्रपति बने इनका नाम है फास्टिन आर्कचेंज तोडेरा। 91वां की हाल ही में चित्रा घोष का निधन हो गया, इन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए, चित्रा घोष जो है इनको प्रख्यात शिक्षाविद के रूप में जाना जाता है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थी, ठीक है। और 92वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किया गया? तो देखिए, एडुकॉन 2020 का शुभारंभ रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया था। देखिए, एडुकॉन 2020 का मुख्य विषय था इन्वेजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस, यानी कि वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। और एडुकॉन 2020 क्या है इसके बारे में मैंने डिटेल में हमें बताया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में भी रिसेंटली पूछा गया था। 93वां की लंदन स्थित वित्तीय सेवा कंपनी IHS मार्केट ने अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान जताया है? तो देखिए, IHS मार्केट ने कुल 8.9% की जो है वृद्धि का अनुमान जताया है 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में। और 94वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने फतह वन रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो देखिए, जनवरी 2021 में पाकिस्तान ने फतह वन रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया था। 95वां की हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी व्यक्ति अमेरिकी सेना के पहले CIO बने? तो देखिए, राज अय्यर जो है ये भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं, यानी कि भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं, इनको अमेरिकी सेना का पहला CIO बनाया गया था जनवरी 2021 में। 95वां की हाल ही में RBI ने किसके अध्यक्षता में कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स का गठन किया? तो देखिए, जो आपके NS विश्वनाथन हैं इनकी अध्यक्षता में कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर का गठन RBI ने किया था जनवरी 2021 में। देखिए, इस कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स की अध्यक्षता RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन करेंगे। इसमें 5 अन्य सदस्य भी शामिल होंगे, इन पांचों का नाम नोट कर लीजिएगा। पहले का नाम है अरिजीत बसु, दूसरे का नाम है परेश सुखंकर, तीसरे का नाम है एस रघुनाथ, चौथे का नाम है तथागत बंदोपाध्याय और पांचवें का नाम है प्रोफेसर सुब्रत सरकार, ठीक है। नाम याद रखिएगा, नाम ही एग्जाम में पूछा जाएगा। और
और अगला है कि हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नामित किया गया, और सदस्य रहते हुए भारत जो ये कितने प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करेगा। तो देखिए, भारत जो है ये अध्यक्ष रहते हुए टोटल तीन प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करेगा। पहली समिति आपकी है तालिबान प्रतिबंध समिति, दूसरा है आतंकवाद रोधी समिति, तीसरा है लीबिया प्रतिबंध समिति। इन तीनों के बारे में यह रखेगा। और थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं, देखिए अभी मैंने पिछले प्रश्नों में बताया कि भारत ने 1 जनवरी 2021 से UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना 2 साल का जो कार्यकाल है ये शुरू किया है, और ऐसा 8वीं बार है जब भारत को गैर स्थायी सदस्य के रूप में UNSC में शामिल किया गया है। देखिए 2021 में बहुत सारे देशों को शामिल किया गया है UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में। इनमें आपके शामिल है नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड, मैक्सिको। इन देशों का नाम याद रखेगा, इनको भी शामिल किया गया था, ठीक है। और भारत जो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य रहते हुए टोटल तीन प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करेगा। पहली है तालिबान सैंक्शंस कमेटी यानी कि तालिबान प्रतिबंध समिति, दूसरा है आतंकवाद रोधी समिति, तीसरा है लीबिया प्रतिबंध समिति। और सबसे खास बात देखिए, इन तीनों समितियों में से भारत 2022 में UNSC की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। तो इसको एक्स्ट्रा में नोट कर लीजिएगा। देखिए जितने फैक्ट एग्जाम में टू द पॉइंट पूछ जाते हैं मैं उसको वैसे ही बताता हूँ, और उसको वैसे ही आप नोट करते रहा कीजिए। 96वां कि जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए। तो देखिए जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए एलन मस्क। देखिए अभी मैंने शुरू में बताया था, शुरू के प्रश्नों में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम परिवर्तित हो चुका है। तो देखिए वर्तमान में एलन मस्क जो है ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, और इन्होंने पीछे छोड़ा है जेफ बेजोस को, ये दूसरे स्थान पर हैं इस सूची में। देखिए एलन मस्क की कुल संपत्ति है 188.5 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो ये घटती बढ़ती रहती है और पहले दूसरे नंबर पर कंपटीशन चलते रहता है, तो हर महीने लगभग आंकड़ा जारी होता है। तो जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, एलन मस्क जी। 97वां की हाल ही में किस राज्य में सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो देखिए सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन को जम्मू और कश्मीर राज्य में जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। 98वां किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए विश्व हिंदी दिवस को हम मनाते हैं 10 जनवरी को हर साल। देखिए एक होता है विश्व हिंदी दिवस, दूसरा होता है भारतीय हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और जो भारतीय हिंदी दिवस है ये प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, और ये वाला ही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये दोनों याद रखिएगा। और 99वां की हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया। तो देखिए माधव सिंह सोलंकी जो है ये गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। समय की हाल ही में किस देश ने COVID-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को कुल 2,113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में जापान ने जो है भारत को COVID-19 सहायता प्रदान करने के लिए जो है कुल 2,113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की जनवरी 2021 में। 101वां की हाल ही में किसने 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। तो देखिए जो 26वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था। और जो आपके शाहरुख खान है, देखिए शाहरुख खान जो है ये पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इन्होंने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया, लेकिन वर्चुअली भाग लिया था, ये कोलकाता नहीं गए। और देखिए जो आपका ये कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये 7 दिनों तक चलने वाला एक महोत्सव है, और इसमें जो है जो एक फिल्म निर्माता थे सत्यजीत रे और बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी, इन दोनों को सम्मानित किया गया। देखिए जो आपके दिग्गज फिल्मकार सत्यजीत रे हैं, इनकी फिल्म अपूर संसार को इस महोत्सव का उद्घाटन फिल्म बनाया गया था, और इस महोत्सव में 45 देशों की 131 फिल्में दिखाई गईं, और 131 फिल्मों में से 50 लघु फिल्में, 81 फीचर फिल्में शामिल हैं, और ये फिल्में 13 जनवरी 2021 तक प्रदर्शित की गईं। देखिए जो आपका कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये एक वार्षिक फिल्म कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। 102वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में धियां दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च किया गया। तो देखिए धिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना को जो है पंजाब राज्य में लॉन्च किया गया था। और 103वां प्रश्न की शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बन गया है। तो देखिए शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य तेलंगाना बन गया है, और तेलंगाना जो है मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जिसने शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू किया है अपने राज्य में। 104वां की किस व्यक्ति को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव चुना गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके अभिषेक यादव हैं इनको चुना गया है।
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव। और 105वां कि हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 से प्रतिकूल निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का जो है गठन किया। तो देखिए ये इनका नाम है प्रीति पंत, याद रखेगा। अभी हाल ही में जो आपका केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसने जो है प्रीति पंत के नेतृत्व में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 से प्रतिकूल निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। 106वां की हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा के न्यू अठेली से राजस्थान के न्यू किशनगंज तक पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को रवाना किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में इसको रवाना किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और देखिए जो आपका हरियाणा के न्यू अठेली से राजस्थान के न्यू किशनगंज तक जो पहला डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन था, तो इसको जो है पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के 360 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड पर चलाया गया। ये ट्रेन 5 किलोमीटर लंबी है, तो 5 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाया गया, बहुत बड़ी बात है। और 107वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में मिशन शीघ्र का संचालन किया। तो देखिए मिशन शीघ्र का संचालन जो है ये उत्तर प्रदेश में किया गया था भारतीय रेलवे के द्वारा, और इसे भारतीय रेलवे के लखनऊ मंडल के द्वारा लॉन्च किया गया था। मिशन शीघ्र क्या है आपको पता होगा, बहुत सारी ट्रेनें लेट हो जाती हैं, वो नियत स्पीड से नहीं चलती हैं, बहुत सारी बाधाएं जाती हैं, तो इन्हीं सबको दूर करने के लिए अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्वीकार्य गति से जो है ट्रेन का परीक्षण किया गया मिशन शीघ्र के अंतर्गत। और 108वां प्रश्न की कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो देखिए ये भारतीय बल्लेबाज आपके रोहित शर्मा हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और 109वां की हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में सुबोध कुमार जायसवाल जी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये नियुक्ति काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा। 110वां की हाल ही में श्रीलंका के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो देखिए श्रीलंका के एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है शेहान जयसूर्या, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है क्योंकि इनकी फैमिली जो है ये अमेरिका में सेटल हो गई है, तो ये अब श्रीलंका की तरफ से नहीं खेलेंगे। 111वां की हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। तो देखिए अमेरिका ने अभी हाल ही में ताइवान देश जो आपका है इसके साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध अभी हाल ही में हटा लिए हैं। और 112वां प्रश्न की हाल ही में किसने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित किया गया खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया। तो देखिए इस खादी प्राकृतिक पेंट को नितिन गडकरी ने लॉन्च किया, और ये खादी प्राकृतिक पेंट जो है ये दो रूपों में उपलब्ध है, पहला प्लास्टिक इमल्शन पेंट के रूप में और दूसरा डिस्टेंपर पेंट के रूप में। तो इसको जो है गाय के गोबर से बनाया गया है, काउ डंग पेंट है, इसको आप इको फ्रेंडली के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे पेंट होते हैं, देखिए पेंट भी कई टाइप के होते हैं, घटिया पेंट यूज़ करेंगे तो उसमें लेड वगैरह होते हैं, अगर बच्चे आपके घर के उसको टच करते हैं बार बार, और छोटे बच्चे तो मान लीजिए दीवार को चाट भी लेते हैं, तो वो काफ़ी हार्मफुल होता है आपके बच्चों के लिए। और कोशिश कीजिए कि अच्छे क्वालिटी का पेंट ही आप यूज़ किया कीजिए घर में। 113वां प्रश्न की 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन बन गई है। तो देखिए कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको हम TCS के नाम से जानते हैं, जो कि आपका रेलवे वगैरह का एग्जाम कराता है ऑनलाइन, ठीक है। तो ये जो है 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटल वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है भारत की। और 114वां की हाल ही में किस तूफान ने स्पेन में जनजीवन को प्रभावित किया। तो देखिए इस तूफान का नाम है फिलोमेना, जो कि अभी हाल ही में स्पेन में जनवरी 2021 में आया था, और वहाँ के जनजीवन को इसने इतना प्रभावित कर दिया था कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो गई थी, जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी। तो तूफान फिलोमेना के कारण जो है पूरे स्पेन में दशकों से भारी बर्फबारी दर्ज की गई, यहाँ पे जीवन अस्त व्यस्त रहा, काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है, लेकिन जहाँ पे बर्फ गिरा होगा वो लोग जानते होंगे कितनी ठंड वहाँ पे होगी। 115वां की 1 जनवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.483 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया। तो देखिए 1 जनवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 4.483 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ कुल 585.328 अरब डॉलर तक जो है पहुंच गया। देखिए विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है,
और सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश आपका चीन है। ये दोनों पॉइंट याद रखेगा, ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 116वां की हाल ही में किस अवसर पर मोदी इंडिया कालिंग 2021 नाम का एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया? तो देखिए भी हाल ही में 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मोदी इंडिया कालिंग 2021 नाम का एक कॉफी टेबल बुक जो है उसका विमोचन किया गया था। देखिए 16वां प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन 9 जनवरी को पीएम मोदी ने किया था और 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम जरूर याद रखिएगा, ये थीम आपकी है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और आपको ये चीज़ जरूर पता होनी चाहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। मैंने पिछले प्रश्न में बताया क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी जो है ये 9 जनवरी को जो है कहाँ से साउथ अफ्रीका से जो है इंडिया लौटे थे और इनको सबसे बड़ा प्रवासी माना जाता है, इन्होंने दुनिया में बहुत सारे योगदान दिए। ठीक है, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं और इसकी थीम क्या रही 2021 के लिए, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 117वां की ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो देखिए ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कुल जो है 10.3% महिलाएँ हैं। और 118वां की हाल ही में किस वयोवृद्ध तेलुगु पत्रकार और वक्ता का निधन हो गया? तो देखिए ये वयोवृद्ध तेलुगु पत्रकार और वक्ता थे आपके श्री तुर्लापति कुटुम्बा। और 119वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस को हम 12 जनवरी को मनाते हैं। देखिए वर्ष 2021 में स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती मनाई गई और राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय रहा चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। देखिए आप सभी को पता होगा कि हम जो है स्वामी विवेकानंद की जो है जयंती को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। ठीक है, तो याद रखिएगा इस साल 2021 में हमने स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती मनाई और 2021 के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम क्या रहा, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। 120वां की राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो देखिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 जो है ये 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक जो है ये मनाया जाएगा। और 121वां की भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया। ये बैंक आपका महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा आरबीआई ने महाराष्ट्र के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस जनवरी 2021 में रद्द कर दिया था। और 122वां की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड बैठक के लिए किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं जय शाह। 123वां की 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है? तो देखिए 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए बांग्लादेश को जो है कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया था। और जो आपका ये 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसको एक बार फिर से बता दूं आपको कि ये 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित किया गया था। 124वां की भारत के जिकमेट डोलमा ने ढाका मैराथन 2021 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो देखिए भारत के जो जिकमेट डोलमा थे इन्होंने जो है ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान हासिल किया था। 125वां की अखिल भारतीय द्विवार्षिक तटीय रक्षा अभ्यास जिसका नाम है सी विजिल 2021 ये कब से कब तक आयोजित किया गया? तो देखिए सी विजिल 2021 का जो आयोजन है ये 12 से 13 जनवरी तक किया गया था। ये भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास था जो कि ट्रांजिशन फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट पर आयोजित किया गया था जिसमें सभी तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ अन्य समुद्री हितधारक भी शामिल थे। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, सीमा शुल्क और अन्य समुद्री एजेंसियों ने भाग लिया था। 126वां की हाल ही में किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और पत्रकार का निधन हो गया? तो देखिए ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और पत्रकार थे आपके नील सिहान और इन्होंने जो है 1989 में जो है अपराइट शाइनिंग लाइट, जान पाल वान और अमेरिका इन वियतनाम के लिए पुलित्जर पुरस्कार और राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार भी जीता था। 127वां की भारत की किस फार्मा कंपनी ने ब्राजील को भारत में निर्मित कोविड 19 वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए ब्राजील के प्रीसीसा मेडिकमेंट्स कंपनी के साथ एक समझौता किया है? तो देखिए ये कंपनी आपकी है भारत बायोटेक। और 128वां की किस देश में पहली बार पेपरलेस केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा? तो देखिए ये देश आपका है भारत। भारत में जो है पहली बार पेपरलेस केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा कब, 1 फरवरी को। ठीक है,
और 129वां है कि मेकिंग अ जनरल हिमालयन इको पुस्तक को किसने लिखा है, तो देखिए मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको पुस्तक को लिखा है कोनसम हिमालय सिंह ने, और इस पुस्तक का विमोचन किया जो मेघालय की राज्यपाल है जिनका नाम है नजमा हेबतुल्ला। और 130वां प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला, तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 85वां स्थान मिला है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका नया वाला 2021 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तैयार किया गया है, तो इसमें बताया गया है कि हेनले पासपोर्ट में वीजा फ्री स्कोर 58 के साथ भारत को 110वें मतलब 110 देशों में 85वें स्थान पर रखा गया है। और जापान जो है देखिए इसने लगातार तीसरे बार दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने के लिए इस सूची में एक बार फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान पहले स्थान पर है, भारत जो है ये 85वें स्थान पर है। देखिए जो जापान के नागरिक हैं ये 191 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दूसरे स्थान पर सिंगापुर का पासपोर्ट है, इसके होल्डर जो है यानी कि सिंगापुर के पासपोर्ट के जो होल्डर्स होते हैं वहाँ के नागरिक होते हैं ये 190 देशों में वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। तीसरे स्थान पर इसमें जो है जर्मनी और दक्षिण कोरिया है, ये 189 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। इस सूची में सीरिया इराक अफगानिस्तान सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश हैं जिनका पासपोर्ट स्कोर क्रमशः 29, 28 और 26 है। 131वां की द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया किसने लिखा है, तो देखिए द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया को लिखा है एस वाई कुरैशी ने। और 132वां की जनवरी 2021 में भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो देखिए जनवरी 2021 में गोवा ने कहा था भैया तुम अपने अपने राज्य में रहो, हमारे बॉर्डर के अंदर मत आओ कोरोना फैलाने, ठीक है। और कोरोना के साथ साथ बर्ड फ्लू का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था केरल वेरल में, ठीक है, तो इसलिए जो है ये एहतियात बरता गया। और 133वां कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ धातु वैनेडियम पाया गया, देखिए जनवरी 2021 में अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम धातु पाया गया। देखिए वैनेडियम जो इसका सिंबल होता है बी पीरियाडिक टेबल में, और इसका एटॉमिक नंबर है 23, एटॉमिक मास है 50.9415 और वैनेडियम का मेल्टिंग पॉइंट है 1910 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए वैनेडियम का उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है। वैनेडियम के सबसे बड़े भंडार चीन में हैं, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और रूस में हैं। 134वां प्रश्न है कि 17 जनवरी को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम लॉन्च करेगी, तो देखिए ये अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, ठीक है। और 135वां प्रश्न कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया था, देखिए जनवरी 2021 में जो है डोनाल्ड ट्रंप के जो कुछ समर्थक थे इन्होंने वाशिंगटन डीसी में जो है बवाल कर दिया था क्योंकि ये राष्ट्रपति दोबारा चुने नहीं गए और जे बाइडन का वो विरोध कर रहे थे और काफ़ी तोड़फोड़ हुआ और बहुत ज़्यादा बवाल होने के बाद काफ़ी लोग वहाँ पर घायल भी हो गए। तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चलो ठीक है 20 जनवरी के पहले जब तक नए वाले राष्ट्रपति शपथ नहीं लेते हैं तब तक हम वाशिंगटन डीसी में आपातकाल लगा देते हैं। 136वां कि अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं, देखिए अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया नहीं गया है उनके पद से। देखिए महाभियोग एक प्रक्रिया होती है इसके माध्यम से राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किया जाता है। 137वां की किस तिथि को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग के लिए वोटिंग की गई थी, तो देखिए 13 जनवरी को जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग के लिए वोटिंग की गई थी। और महाभियोग प्रस्ताव के वोटिंग के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए जिनके खिलाफ दो बार इनके कार्यकाल में ही महाभियोग लाया गया। और 138वां की वन प्लैनेट समिट 2021 कब आयोजित किया गया था, तो देखिए वन प्लैनेट समिट 2021 को 11 जनवरी को आयोजित किया गया था और अभी हाल ही में फ्रांस की सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस चौथे वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया था और इस शिखर सम्मेलन का विषय था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। और 139वां की किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो देखिए किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं सदर जापारोवा। और आपको बता दूं जो आपके किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं सदर जापारोवा, इन्होंने इस पद पर जो है सोरून बाय जेनेब को का स्थान लिया है। 140वां की भारत का पहला फायर पार्क कहाँ बनाया गया, तो देखिए भारत का जो पहला फायर पार्क है ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बनाया गया है। ये फायर पार्क भुवनेश्वर में ओडिशा फायर एंड डिजास्टर अकादमी के परिसर के अंदर बनाया गया है।
141वां की स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने मार्च 2021 में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए, जो आपकी स्विस ब्रोकरेज कंपनी है यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक, इसने मार्च 2021 में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के टोटल 7.5% नेगेटिव यानी कि -7.5% रहने का अनुमान जताया है। और 142वां की जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को संशोधित करके कितने प्रतिशत नेगेटिव रहने की उम्मीद जताई है। तो देखिए, जो आपकी नोमुरा है, इसने कहा है कि जो आपकी वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी रहेगी, ये रही कितने नेगेटिव में, -6.7% नेगेटिव में। 143वां की हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने किस राज्य में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया। तो देखिए, एलन मस्क, आपको मैंने बताया पिछले प्रश्न में कि ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, इनकी कंपनी इसका नाम है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है। तो अभी हाल ही में इसने जो है अपने इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला के लिए जो है भारत का जो कर्नाटका राज्य है वहाँ पर अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया है और इसका उत्पादन भी ये करेगी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का। देखिए, टेस्ला जो है ये स्थापित होगी, मतलब टेस्ला कंपनी की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 2003 को। इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। और मैंने आपको एक अपडेट बताया था जनवरी महीने में कि 1 अप्रैल 2022 से जितने भी 15 साल पुराने वाहन हैं वो सभी बंद हो जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाएंगे, इलेक्ट्रिक कारों का जमाना आएगा। 144वां की हाल ही में नीति आयोग ने एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ में हाथ मिलाया है। तो देखिए, नीति आयोग ने अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए समझौता किया था जनवरी 2021 में। और 145वां है, हाल ही में किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता। तो देखिए, ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आपका है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर यानी कि एम्स भुवनेश्वर। और 146वां की भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमीज में कौन सा स्थान मिला। तो देखिए, भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमीज में जो है चौथा स्थान मिला है। देखिए, ब्रेकआउट इकोनॉमीज वे होते हैं जो तेजी से डिजिटल बन रहे हैं, तो भारत भी बहुत तेजी से डिजिटल बन रहा है। देखिए, चीन ने जो है ब्रेकआउट अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष स्थान पर मतलब काबिज किया है यानी कि पहला स्थान हासिल किया है, जो कि मुख्य रूप से तेजी से बढ़ती मांग और नवाचार के संयोजन कारण डिजिटल रूप से विकसित है। इंडोनेशिया जो है ये इस सूची में तीसरे स्थान पर है, भारत चौथे स्थान पर है ब्रेकआउट इकोनॉमीज में। और 147वां की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण देने में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कितने स्थानीय कार्यदल का गठन किया। तो देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण देने में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कुल 6 सदस्यीय कार्यदल का जो अभी हाल ही में गठन किया था। और इस 6 सदस्यीय कार्यदल में जो है पहले व्यक्ति आपके हैं जयंत कुमार दास, दूसरे हैं अजय कुमार चौधरी, तीसरे हैं पी वासुदेवन और चौथे आपके हैं मनोरंजन मिश्रा, पांचवें हैं विक्रम मेहता, छठवें आपके हैं राहुल सचिव। और आपको बता दूं, जयंत कुमार दास जो हैं ये कार्यकारी निदेशक RBI हैं, वर्तमान में ये अध्यक्ष रूप में इसमें कार्य करेंगे इस 6 सदस्यीय पैनल में। और इस पैनल में सदस्य के रूप में कार्य करेंगे अजय कुमार चौधरी, ये जो है मुख्य महाप्रबंधक पर्यवेक्षण विभाग है वर्तमान में। और पी वासुदेवन जो है ये मुख्य महाप्रबंधक भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग RBI में हैं और ये सदस्य के रूप में इस पैनल में काम करेंगे। और मनोरंजन मिश्रा जो है ये सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे इस पैनल में और ये वर्तमान में जो है मुख्य महाप्रबंधक विनिमय विभाग में काम कर रहे हैं। पांचवें विक्रम मेहता जो आपके हैं ये सह संस्थापक मोनोक्सो फिनटेक हैं और ये बाहरी सदस्य के रूप में इसमें काम करेंगे। और एक और बाहरी सदस्य हैं राहुल सचिव, ये साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और क्लाउड चेक के संस्थापक हैं। तो इसमें 4 जो है ये RBI से जुड़े हुए हैं और 2 बाहरी सदस्य हैं। 148वां की हाल ही में भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज के द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं में कब तक फ्री डोमेन की पेशकश की गई। तो देखिए, तिथि आपकी है 30 जनवरी 2021। 30 जनवरी 2021 तक ऑफर था कि आप फ्री में जो आपका .in वाला डोमेन है इसको ले सकते हैं। देखिए, जो आपका नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसने कुल 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से किसी भी भाषा में पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम को रजिस्ट्रार द्वारा बुक किए गए प्रत्येक IN डोमेन, मतलब देखिए .in, देखे होगा आपने कि www.
एग्जामपुरी डॉट इन, लास्ट में जो डॉट इन लिखा होता है उसी को हम डोमेन नेम कहते हैं, तो उसी की बात हो रही है। तो डॉट इन के साथ फ्री निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। देखिए निक्सी का ये प्रस्ताव ऐसे नए डॉट इन यूजर्स के लिए मान्य होगा जो 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण करा लेंगे। 149वां की किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ़ कर दिया है? तो ये जनवरी 2021 में ओडिशा ने कहा कि जितने भी मैट्रिक यानी कि 10th के स्टूडेंट हैं उनका परीक्षा शुल्क हम माफ़ करते हैं, कोरोना में बहुत सारे लोग तबाह हो गए थे। 150वां की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी? तो देखिए ये देश आपका है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। तो 150 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगले प्रश्न जो है मतलब अगला प्रश्न हमारा 151 होगा टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स का, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे किसमें, पार्ट टू में यानी कि भाग दो में इस वीडियो के, तो वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। अभी कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग वार्षिकांक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, और आप पिछले 2020 के सभी महीनों के मंथली करंट अफेयर का भी वीडियो देख सकते हैं, उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी गई है। तो मिलते हैं जल्दी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।